बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह। बच्चों, आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा अध्याय है 3 और हमारे लेखक निर्देशक हैं सत्यजीत रॉय। बच्चों, मैंने 2 नाम बोले, लेखक और निर्देशक। लेखक इसलिए बोला क्योंकि ये जो संस्मरण है ये सत्यजीत राय द्वारा लिखा गया है, और निर्देशक इसलिए बोले क्योंकि सत्यजीत राय ने जो ये अप्पू के साथ 2.5 साल ये संस्मरण लिखा है, इसको फिल्म पथेर पंचाली के रूप में इसको निर्देशित किया है। बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने सत्यजीत राय का जीवन परिचय जाना, उनका कृतित्व परिचय जाना, साथ ही उन्होंने अपनी प्रथम फिल्म पथेर पांचाली जो बनाई थी उसको एक संस्मरण के रूप में लिखा, अप्पू के साथ 2.5 साल। उस संस्मरण को हम सविस्तार शब्दार्थ के साथ में पढ़ चुके हैं। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक जो आरोह है उसमें इससे संबंधित, अप्पू के साथ 2.5 साल के साथ संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न आए हैं, उन्हें आज हम उत्तर के साथ करने का प्रयास करें। तो देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। पहला प्रश्न था, पथेर पांचाली फिल्म का जो काम था वो 2.5 साल तक क्यों चला। क्योंकि आजकल जो फिल्में हैं वो 2 महीने 3 महीने में ही कंप्लीट हो जाती है, या ज़्यादा ही लंबा समय लगता है तो साल भर का। लेकिन जो ये पथेर पांचाली फिल्म थी इसकी शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला, और 2.5 साल एक फिल्म के लिए बहुत लंबा समय होता है। तो देखो बच्चों, सत्यजीत राय को प्रारंभ में यह अनुमान नहीं था कि फिल्म की जो शूटिंग है वो 2.5 साल के लंबे समय में संपन्न हो सकेगी। जब उन्होंने फिल्म शुरू की तब उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि ये फिल्म इतनी लंबी चल जाएगी। फिल्म का मतलब फिल्म की जो शूटिंग हो रही है वो 2.5 साल तक चलेगी। इतना लंबा समय शूटिंग में इसलिए लगा क्योंकि एक तो आर्थिक तंगी के कारण शूटिंग बीच में ही रोक देनी पड़ती थी। देखो बच्चों, इसका सर्वप्रथम कारण ये था कि इतनी लंबी क्यों चली ये जो शूटिंग थी। पहला कारण ये आर्थिक कारण था। सत्यजीत राय बहुत अधिक पैसे वाले नहीं थे। उनके पास जब पैसे, वो कहीं एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी किया करते थे, जब उनके पास पैसे जमा हो जाते थे तब वो शूटिंग स्टार्ट किया करते थे या शूटिंग करना शुरू किया करते थे, और जब पैसे दोबारा इकट्ठे हो जाते थे तो शूटिंग प्रारंभ करते। एक कारण तो उनका आर्थिक कारण था। दूसरा कारण, लेखक उस समय तक विज्ञापन कंपनी में काम किया करते थे, यानी लेखक थे वो विज्ञापन कंपनी में नौकरी किया करते थे, और जब उन्हें फुर्सत मिलती तभी शूटिंग का काम हो पाता था। यानी जब वो विज्ञापन कंपनी से फ्री होते थे या अपने काम से जब उन्हें फुर्सत मिलती तब वो शूटिंग का काम शुरू करते थे, क्योंकि ये इनका क्या था, अलग से एक काम करते थे। ये नौकरी के साथ साथ में अलग से शूटिंग का काम किया करते थे। आगे देखो बच्चों, तीसरा कारण, शूटिंग के दौरान आने वाली कठिनाइयां थी। आपने फिल्म में पढ़ा कि जब शूटिंग चल रही थी तो कितनी सारी समस्याएं आई, तो उन समस्याओं के कारण भी क्या हुआ, फिल्म को बनने में देरी हुई। इन सभी कारणों से पथेर पंचाली की शूटिंग का काम 2.5 साल के लंबे अंतराल में पूरा हो सका। यानी कि 3 कारण रहे, नंबर 1 आर्थिक कारण, नंबर 2 मतलब जो लेखक निर्देशक थे वो क्या किया करते थे, वो एक विज्ञापन कंपनी में काम किया करते थे, वहाँ से जब उन्हें फुर्सत मिलती तब वो शूटिंग किया करते थे, और तीसरा कारण शूटिंग के दौरान आने वाली कठिनाइयाँ थी। इन सभी के कारण जो पथेर पंचाली फिल्म थी उसकी शूटिंग लगभग 2.5 साल में पूरी हुई। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी निर्धारित हो जाती। कंटिन्यूटी का मतलब निरंतरता। हम कोई काम कर रहे हैं उसमें जो निरंतरता बनी रहती वो उसमें से निर्धारित का मतलब समाप्त हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है। देखो बच्चों, ये जो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि मतलब आधे सीन की शूटिंग कर पहले हो गई, और आधे सीन की शूटिंग जब करने पहुँचे तो वहाँ क्या हुआ, जो सीन उनको शूट करना था, जो दृश्य, वो दृश्य वो शूट नहीं कर पाए। और क्यों नहीं कर पाए, और अगर वो उसको वापस से ही वैसे के वैसे ही शूट कर लेते तो उसमें से कंटिन्यूटी निर्धारित हो जाती, यानी निरंतरता समाप्त हो जाती। तो इस कथन के पीछे क्या भाव है, हम उस भाव को देखेंगे। देखो, फिल्म के जो दृश्य होते हैं हमें तभी प्रभावित करते हैं जब उनमें कंटिन्यूटी या निरंतरता रहती है। क्या रहती है, जब निरंतरता रहती है, जब हम कोई फिल्म देख रहे हैं पर्दे पर और फिल्म देखते देखते एकदम निरंतरता, अब ये सीन आया फिर वो सीन आया, मतलब अलग अलग दृश्य चलते रहते हैं। अचानक क्या होता है, कोई दृश्य चल रहा है और चलते चलते कोई दूसरा दृश्य आता है, और बीच में हमको लगता है, मतलब अपने आप ही हमको महसूस होने लगता है कि नहीं, यहाँ कोई सीन काट लिया गया है। पता चलता है ना कि देखो उस सीन को काट लिया, तो उसके अभाव में क्या होता है, दर्शक पर उस दृश्य का वांछित प्रभाव नहीं पड़ता। यानी दर्शक समझ जाता है कि ये
सीन में यहाँ निरंतरता नहीं है या कंटिन्यूटी नहीं है, तो उसका ध्यान एकदम से हट जाता है फिल्म से। अब देखो शूटिंग किस चीज़ की हो रही थी और कैसे होनी थी उसके बारे में हम देखते हैं। काशफूलों की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि यानी उनका जो काशफूल है उनके पिछला जो हिस्सा है, उसमें रेल के इंजन से निकलते धुएं का आधा सीन शूट हो चुका था। शेष आधे सीन की शूटिंग के लिए जब फिल्म यूनिट उस स्थान पर एक सप्ताह बाद पहुंची तो वहां एक भी काशफूल ना था। देखो हुआ क्या था, अपन वैसे पाठ में पढ़ चुके हैं, उनको एक निर्देशक को एक जो दृश्य था वो शूट करना था। उसमें क्या था कि बंगाल के पास में एक गांव था और वहाँ पर क्या है, बंगाल में शरद ऋतु में काशफूल यानी कोई सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, उसका एक मैदान था। उस मैदान में ये सीन शूट करना था कि दुर्गा जो है वो अपने भाई अप्पू के पीछे पीछे उस काशफूलों के जो मैदान था उसको यहाँ वन बताया गया है उसमें आती है, क्योंकि अप्पू जो होता है वो काशफूलों के वनों में चला जाता है और उसकी पृष्ठभूमि और उनके पास ही एक ट्रेन को या रेल को निकलते हुए दिखाते हैं जिसका क्या है इंजन काला धुआं छोड़ रहा है, यानी कि फूल तो है सफ़ेद और उसकी पृष्ठभूमि में क्या दिखाना था, काला धुआं छोड़ते हुए इंजन दिखाना था। तो पहला सीन उनका शूट हो गया यानी अप्पू उसके अंदर गया काशफूलों के वनों में, पीछे पीछे दुर्गा गई और एक रेल वहाँ से निकल के काला धुआं छोड़ के चली गई। लेकिन जब उन्होंने इतनी शूटिंग कर ली उसके बाद जब वो एक सप्ताह बाद वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक भी काशफूल नहीं था। अब उनको और आगे की शूटिंग करनी होगी वहीं उन काशफूलों के साथ में, तो वहाँ जब एक भी काशफूल नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि जानवरों ने वो सब काशफूल चर लिए थे और अब नए काशफूल तो असली शरद ऋतु में ही आ सकते थे। यानी असली जो काशफूल है वो तो अगली शरद ऋतु में आएंगे, जब वो दोबारा शूट करने वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा तो मैदान साफ था और सारे काशफूल जानवर खा चुके थे। इसलिए एक फिल्मकार का चिंतित होना स्वाभाविक था, यानी कि अब पूरा उनको एक सीजन यानी एक ऋतु सर्दी से सर्दी आने में पूरा एक साल लगना था, तो ये शूटिंग इस वाले दृश्य की शूटिंग यहाँ रुक गई थी। अब हमें अगले सीजन तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यानी फिल्मकार कह रहे हैं कि अब हमें अगले सीजन तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा कलाकार कला से कभी समझौता नहीं करता, जो अच्छा कलाकार होता है अच्छा फिल्मकार होता है वो कभी भी कला से समझौता नहीं करता। चाहते तो निर्देशक वहाँ नकली फूलों का एक बगीचा तैयार कर सकते थे और रेल की पृष्ठभूमि दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसलिए अच्छा जो कलाकार होता है वह क्या करता है, प्रत्येक दृश्य में पूर्णता निरंतरता पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, यानी जो फिल्म का दृश्य वो दर्शा रहा है या दिखा रहा है उसमें पूर्णता हो और निरंतरता रहो, ऐसा मतलब वो अपना ध्यान उस पर केंद्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, किन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है, यानी कि जब शूटिंग हो रही थी तो उसमें दो दृश्य ऐसे थे जिनमें कोई अलग अलग तरकीब अपनाई गई थी लेकिन दर्शक नहीं पहचान पाए जब पर्दे पर वो फिल्म देख रहे थे, तो वो कौन से दो दृश्य थे। देखो पथेर पंचाली में, फिल्म का नाम था पथेर पंचाली में, अप्पू दुर्गा का जो पालतू कुत्ता भूलो है वह एक दृश्य में अप्पू को माँ के हाथों भात खाता हुआ देख रहा है। अप्पू तीर कमान के खेल में व्यस्त हो गया, अतः सर्वजया, सर्वजया कौन थी, अप्पू की माँ थी जिसका नाम फिल्म में सर्वजया था, सर्वजया ने वह भात गमले में डाल दिया। गमले का मतलब एक बर्तन होगा जिसमें मतलब वो बचा हुआ खाना डालते हैं, जहाँ भूलो कुत्ता उसे खाता है। बाद में फिर इस दृश्य को का बचा हुआ भाग शूट किया जाना था, तब पता चला कि भूलो कुत्ता तो मर गया है। देखो क्या हुआ था, एक उन्होंने दृश्य ये वाला शूट किया कि जो अप्पू नाम का बच्चा है उसकी माँ सर्वजया उसको भात खिला रही है और अप्पू तीर कमान के खेल में व्यस्त हो रहा है। अब जब अप्पू का मन भर जाता है खाना खाने से तो अप्पू की माँ क्या करती है, उस भात को, भात का मतलब होता है चावल, को गमले में डाल देती है और वहीं उनका पालतू कुत्ता भूला भूलो बैठा हुआ उसको देखता रहता है। जैसे ही वो क्या करती है, उसको डालती है, तो मतलब सीन ये शूट करना था कि उसकी माँ उसमें गमले में बचा हुआ भात डालेगी और भूलो कुत्ता है जो उठ के आएगा और उस भात को खाएगा, तो ये वाला सीन उनको शूट करना था। लेकिन क्या हुआ, ये सीन वो लोग शूट नहीं कर पाए, नहीं कर पाए उस वक्त नहीं कर पाए होंगे, या तो आर्थिक कारण रहा होगा या हो सकता है कि रोशनी कम हो गई, जो भी हुआ वो इस सीन को शूट नहीं कर पाए। और जब दोबारा करने गए तो पता चला कि जो भूलो कुत्ता था वो तो मर गया। खैर उसी से मिलता जुलता दूसरा कुत्ता तलाशा गया और बचे हुए सीन को इस कुत्ते पर फिल्माया गया।
यानी कि जो पहला वाला कुत्ता था उसके ऊपर इस सीन को शूट कर रहे थे, लेकिन ये सीन शूट नहीं हुआ। और जब कुछ समय बाद निर्देशक दोबारा इस सीन को शूट करने गए तो पहले वाला कुत्ता मर चुका था और उसी से मिलता जुलता दूसरा कुत्ता तलाशा गया, और बचे हुए सीन को यानी जो गमले में बचा हुआ भात था जिसको उस कुत्ते ने खाया वो दूसरे कुत्ते के ऊपर फिल्माया गया। लेकिन दर्शक इस बात को बिल्कुल भी नहीं जान सके कि ये कुत्ता पहले वाला नहीं है। एक तरकीब तो देखो ये थी, दूसरी क्या थी? इसी प्रकार श्रीनिवास मिठाई वाले का अभिनय करने वाले पात्र की मृत्यु हो जाने पर उसी कदकाठी के दूसरे व्यक्ति पर बचा सीन फिल्माया गया। एक नंबर का श्रीनिवास बासवन से बाहर आता है और अगले शॉट में दो नंबर के श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के गेट के अंदर जाता है। देखो बच्चों ये क्या सीन था कि एक श्रीनिवास नाम के मिठाई वाले थे, ये सीन उन्होंने शूट किया। वो ऐसे बासवन के बाहर खड़े हैं और खड़े हुए मिठाई बेच रहे थे, तो वो अप्पू दुर्गा से मिठाई लेने के लिए कहते हैं तो अप्पू दुर्गा मना कर देते हैं। तो वो श्रीनिवास क्या करते हैं, मुखर्जी कोई एक अमीर व्यक्ति थे उनके घर की तरफ जाते हैं, तो अप्पू और दुर्गा भी वो दोनों बच्चे होते हैं वो भी उस श्रीनिवास मिठाई वाले के पीछे पीछे चल देते हैं। तो इतना ही सीन शूट हुआ कि कितना कि श्रीनिवास अपनी मिठाई का जो उनका ठेला था जो भी उसको लेकर के किसके घर की तरफ जा रहे हैं, मुखर्जी के घर की तरफ जा रहे थे। मतलब इतना ही सीन शूट हुआ। और जब दोबारा फिल्मकार या निर्देशक दोबारा शूट करने पहुंचे तो उन्हें पता चला श्रीनिवास मिठाई वाले की मृत्यु हो चुकी है। अब वैसा का वैसा व्यक्ति कहां से लाए, इन्हीं सकल सूरत से मिलता जुलता व्यक्ति तो वैसा नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने उसी के कदकाठी का दूसरा व्यक्ति ढूंढ लिया और उसके ऊपर बचा हुआ सीन कैसे शूट किया कि एक नंबर का श्रीनिवास बासवन से बाहर आता है, जो मिठाई वाला था वो पहले वाला श्रीनिवास बासवन से बाहर आता है और मुखर्जी के घर की तरफ जा रहा था, लेकिन अगले शॉट में जो दो नंबर का उन्होंने श्रीनिवास लिया था वो कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के अंदर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। यानी पहले वाले का उन्होंने फ्रंट यानी आगे का भाग दिखाया और पीछे वाले जो दूसरे श्रीनिवास थे उनका पीछे का भाग दिखाया। अगला प्रश्न देखो बच्चों, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। अपन ने अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा ना कि भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, क्योंकि पहले कुत्ते की मृत्यु हो गई थी और उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया, अपन ये पढ़ चुके हैं। वैसे देखो पथेर पंचाली में अप्पू दुर्गा का पालतू कुत्ता भूलो दिखाया गया है। अप्पू दुर्गा के साथ भूलो कुत्ते का जो सीन शूट किया जाना था वह आधा ही शूट हो पाया था। कहाँ तक शूट हो पाया, भाई कुत्ता बैठा हुआ देख रहा है और जो सर्वजया माँ है वो बच्चे को भात खिला रही है और बचे हुए भात को उसको कहाँ डालना था, गमले में डालना था, बस इतना ही सीन शूट हो पाया। अब अगला सीन शूट करने के लिए जब फिल्मकार पहुंचते हैं तो पहले वाले भूलो जो कुत्ता था उसकी मृत्यु हो चुकी हुई होती है, तो फिल्म यूनिट को आर्थिक अभाव में वापस लौटना पड़ा। क्यों लौटना पड़ा, क्योंकि उनके पास फिल्म खत्म हो गई और पैसे भी खत्म हो गए। बाद में जब पैसे इकट्ठे हो जाने पर फिल्म यूनिट गाँव में पहुंची तो पता चला कि भूलो कुत्तों तो मर गया है, यानी भूलो कुत्ता जो पहले वाला था वो तो मर गया है। तब उसी रंग का वैसी ही पूछ वाला दूसरा कुत्ता खोजा गया। क्या किया गया भाई, अब वैसा कि वैसा कुत्ता चाहिए, नहीं तो फिल्म में पता चल जाता कि वो कुत्ता अलग था और ये कुत्ता अलग है। सेम वैसे की वैसी पूछ वाला दूसरा कुत्ता खोजा गया। अप्पू की माँ जो बात अप्पू के नए खाने पर गमले में डाल देती है, पहले वाले सीन में अपन ने देखा था कि वो गमले में डाल रही थी, बस इतना ही उनका सीन शूट हुआ, उसे इस दूसरे कुत्ते ने ही खाया। यानी पहले वाले कुत्ते ने नहीं खा पाया, पहला वाला कुत्ता खाता उससे पहले ही क्या हुई, शूटिंग बंद हो गई थी। लेकिन फिल्म देखते समय दर्शक यह नहीं पहचान पाते कि फिल्म में भूलो की भूमिका एक कुत्ते ने नहीं अपितु दो कुत्तों ने निभाई है। यानी जब फिल्म पर्दे पर चल रही थी तो दर्शकों को इस चीज़ का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि पहले वाला कुत्ता अलग था और ये कुत्ता अलग है। अगला देखो बच्चों प्रश्न, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। गुजरने का मतलब उनका देहांत हो जाना या उनकी मृत्यु हो जाना। देखो फिल्म में श्रीनिवास क्या थे, मिठाई बेचने वाले व्यक्ति की भूमिका में थे। किसकी में थे, एक मिठाई बेचने वाला व्यक्ति था। जो सज्जन ये भूमिका कर रहे थे उन पर आधा सीन ही शूट हो पाया। कहाँ तक का सीन शूट हो पाया कि मतलब वो मिठाई अप्पू और दुर्गा से कह रहे थे कि तुम मिठाई ले लो, अप्पू दुर्गा ने जब मना किया तो वो अपनी मिठाई लेकर के कहाँ चल दिए, मुखर्जी के घर की तरफ चल दिए। इतना सीन ही शूट हो पाया और पैसों के अभाव में शूटिंग बंद करनी पड़ी। और जब फिल्म यूनिट
अधूरे सीन को शूट करने के लिए कुछ दिनों बाद दोबारा गांव में पहुंची तो पता चला कि श्रीनिवास तो गुजर चुके हैं, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो जो आधा सीन शूट हुआ उसको आधे को कैसे पूरा किया उन्होंने देखो। तब उसी कदकाठी का एक व्यक्ति और तलाशा गया और उसकी पीठ पर कैमरा फोकस करके बचे हुए सीन को फिल्माया गया। कैसे? पहले वाले श्रीनिवास सीधे थे, सामने से उनके कैमरा था, मिठाई बेच रहे थे, बच्चों ने मिठाई लेने से मना किया, वो बांसबन से निकले और निकल करके मुखर्जी के घर की तरफ चले गए। अब जब वो चल रहे थे तब तक का सीन उन्होंने शूट किया, लेकिन अब जब श्रीनिवास नहीं रहे तो दूसरे जो सज्जन लाए गए उसी कदकाठी के, उनकी पीठ पर कैमरे को फोकस किया गया और उन्हें मुखर्जी के घर के अंदर जाता हुआ दिखाया गया। फिल्म देखने वाला कोई भी दर्शक यह नहीं पहचान सका कि श्रीनिवास की इस भूमिका का निर्वाह दो व्यक्तियों ने किया है, यानी कि जब फिल्म पर्दे पर आई तो कोई भी दर्शक इस चीज का पता नहीं लगा सका या उनको पता ही नहीं चला कि श्रीनिवास की भूमिका में एक व्यक्ति नहीं बल्कि दो व्यक्ति थे, जिस प्रकार भूलो कुत्ता एक नहीं दो कुत्ते थे। अगला प्रश्न देखो, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किलें आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? देखो बच्चों, फिल्म में क्या होता है, तरह तरह के सीन शूट करने होते हैं, कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बारिश का, और हर वक्त सीजन एक जैसा नहीं रहता। आजकल जो कृत्रिमता फिल्मों में दिखाई जाती है, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी और इतने साधन भी नहीं थे, इतनी सुविधाएं भी नहीं थी कि मतलब कि उनसे जो कृत्रिमता हम कर सकें। इसलिए क्या होता था, जो ऋतु चल रही होती थी उसी ऋतु के अनुसार सीन शूट हुआ करते थे। तो देखो, बारिश का जो दृश्य चित्रित करना था सत्यजीत रॉय को, उसमें उनको क्या मुश्किलें आई और उनका समाधान फिर किस प्रकार हुआ, ये देखते हैं। देखो, पथेर पांचाली की शूटिंग पैसों के अभाव में प्राय रुक जाया करती थी, मुख्य समस्या आर्थिक समस्या थी। बारिश के दिन आकर चले गए पर पैसों के अभाव में शूटिंग नहीं हो सकी। देखो, हमारे यहाँ क्या है, बारिश 4 महीने होती है और उन 4 महीनों के अंदर बारिश होती नहीं है, और सत्यजीत रॉय जो कि ये निर्देशक थे उनके पास उन दिनों पैसे नहीं थे और उनको एक बारिश का दृश्य इसमें शूट करना था, और जब हाथ में पैसे आए तब तक बारिश का मौसम चला गया। शरद ऋतु में आसमान एकदम साफ था, यानी सर्दी की ऋतु थी, आसमान एकदम साफ था, आकाश में एक भी काला बादल दिखने पर फिल्म की यूनिट पानी बरसने की आशा में जाकर बैठ जाती थी, यानी फिल्म की सारी यूनिट गांव चली गई, अब उनको शूटिंग करनी होगी, उनके पास पैसे आ गए, लेकिन आकाश में क्या थे, बादल नहीं थे, और यदि एक भी काला बादल आकाश में दिख जाता तो पूरी की पूरी फिल्म की यूनिट कल्पनालोक में चली जाती कि ये बादल है जो बड़ा हो जाए और पानी बरस जाए। कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद एक दिन झमाझम बरसात हुई, यानी सर्दियों में भी तो मावट की बारिश होती है, तो एक दिन बारिश हो गई। अब ये दृश्य फिल्माया गया कि क्या दृश्य था कि दुर्गा बारिश में भीगती हुई आती है और पेड़ के नीचे बैठे भाई अप्पू से आकर के चिपक जाती है। उस दिन मूसलाधार बरसात के कारण अप्पू को सर्दी लग गई, बदन कांपने लगा। शॉट पूरा करने के बाद दूध में ब्रांडी डालकर भाई बहन को दी गई जिससे उनके शरीर में गर्मी आई। अब देखो, बारिश का सीन कैसे शूट हुआ, मतलब बरसात आ गई उस दिन, किसी दिन आई होगी सर्दी में बारिश। अब ये दृश्य फिल्माया गया कि अप्पू एक पेड़ के नीचे बैठा है और बारिश वहाँ भी हो रही है और दुर्गा भीगती हुई आती है जो उसकी बड़ी बहन है और आकर के अपने भाई से आकर के चिपक जाती है। अब बच्चों, ये सीन तो क्या था, बारिश के मौसम का था, लेकिन वास्तव में उस वक्त क्या हो रहा था, सर्दी हो रही थी और उस दिन मूसलाधार बारिश होने के कारण अप्पू जो बच्चा था उसको सर्दी लग गई और उसका बदन कांपने लगा। शॉट पूरा करने के बाद बच्चों को क्या दिया गया, दूध में ब्रांडी मिलाकर, ब्रांडी एक तरीके की दवा रूपी शराब होती है जो छोटे बच्चों को दूध में दी जाती है जिससे क्या होता है, शरीर में गर्मी आती है, तो ये एक तरीके की दवा होती है, तो भाई बहन को दी गई जिससे उनके शरीर में गर्मी आई। तो ये एक बारिश का सीन इस प्रकार शूट किया गया। अगला प्रश्न देखो, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। देखो बच्चों, जब कोई फिल्मकार फिल्म बनाता है तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमने अपनी जो अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण है जो लेखक ने लिखा है उसको हमने पढ़ा कि उनको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखो, फिल्मों की शूटिंग करते समय फिल्मकारों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यथा सबसे पहले आती है आर्थिक परेशानियाँ। देखो बच्चों, बिना पैसे के फिल्म नहीं बनती है और फिल्म उद्योग है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पैसा चाहिए, तो पैसों के अभाव में शूटिंग स्थगित करनी पड़ती है। जब तक पैसा नहीं होता है तब तक शूटिंग पूरी नहीं होती है। पैसे से मतलब
पैसे से शूटिंग का मतलब ऐसे नहीं है, पैसे से सामान खरीदा जाता है, जैसे फिल्म जो होती है वो खरीदी जाती है और बहुत सारे उपकरण होते हैं वो सारे पैसों से खरीदे जाते हैं। प्राकृतिक प्रकोप, आउटडोर शूटिंग में मौसम की मार झेलनी पड़ती है, बारिश, धूप, अंधेरा आदि समस्याओं का प्रभाव भी पड़ता है। जब आउटडोर शूटिंग होती है, फिल्म में तो हर तरीके के सीन दिखाने पड़ते हैं, दृश्य जो फिल्माए जाते हैं, तो उनमें कभी बारिश होती है, कभी धूप, कभी अंधेरा, ऐसी समस्याएं आ जाती है। धूप चाहिए होती है तो बादल आ जाते हैं, बारिश चाहिए होती है तो बारिश नहीं होती है, या इस तरीके की जो समस्याएं हैं आउटडोर शूटिंग में मौसम की मार सदैव झेलनी पड़ती है। अगला है, कभी कभी कलाकारों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उन कलाकारों से जुड़े हुए शेष दृश्यों की शूटिंग के लिए मिलते जुलते कलाकारों की व्यवस्था करनी पड़ती है और दृश्य इस प्रकार शूट किया जाता है जिससे कि उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे। अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, कोई कलाकार फिल्म में अभिनय कर रहे होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, अब उन्हीं की कदकाठी का, उन्हीं की शक्ल सूरत से मिलता हुआ दूसरा कलाकार लेके आते हैं, तो अब शूटिंग इस प्रकार करनी पड़ती है कि जिससे कि फिल्म में कंटिन्यूटी यानी निरंतरता बनी रहे और दर्शक को इस चीज़ का आभास ना हो कि ये कलाकार दूसरा है। गांव वालों के सहयोग के अभाव में शूटिंग नहीं हो सकती है। साउंड रिकॉर्डिंग तभी संभव होती है, हो पाती है जब चारों ओर शांति हो, यानी कि जब निर्देशक वहाँ फिल्म बनाने गए तो गांव वालों का सहयोग भी अपेक्षित था, बिना सहयोग के वो शूटिंग नहीं कर सकते थे। और साउंड रिकॉर्डिंग तभी संभव हो सकती है जब चारों ओर शांति हो या कोई आवाज़ नहीं हो। आजकल क्या है, फिल्मी कलाकारों को देखने के लिए लोगों का उत्साह इतना अधिक है कि सुरक्षा बंदोबस्त किए बिना काम नहीं बन पाता। अब देखो आज पहले क्या है, पहले के लोग फिल्मी कलाकारों में इतना अपना उत्सुकता नहीं दिखाते थे, आजकल क्या है, फिल्मी कलाकारों को देखने के लिए लोगों का उत्साह इतना अधिक है कि जब तक कि सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं करें कोई काम नहीं चल सकता। फिल्म में यदि कोई जानवर भी है तो उसके प्रशिक्षण की समस्या आड़े आती है। भूलों कुत्ते के मर जाने पर उससे मिलता जुलता दूसरा कुत्ता सत्यजीत राय को खोजना पड़ा। अब देखो बच्चों, आजकल की फिल्मों में जानवर भी दिखाते हैं, कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी है, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके लिए विशेष प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है, तो प्रशिक्षण की समस्या आती है। साथ ही हमने इसमें अप्पू के साथ 2.5 साल में देखा कि भूलों कुत्ता जब मर गया तो उससे एकदम उससे मिलता जुलता हुआ दूसरा कुत्ता निर्देशक को ढूंढना पड़ा। तो ये सारी समस्याएं क्या आती है, एक फिल्मकार को फिल्म बनाने में आती है। तो बच्चों, हमने ये सत्यजीत राय द्वारा लिखा हुआ संस्मरण अप्पू के साथ 2.5 साल जो कि पथेर पंचाली फिल्म के रूप में सामने आया, इसको हमने यहाँ पढ़ा, इसके प्रश्न उत्तर पढ़े और सत्यजीत राय का जीवन परिचय भी पढ़ा। बच्चों आप इसे पुनः शब्दार्थ के साथ पढ़िए और प्रश्न उत्तरों को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।